Lagnin, Lagnin Satyam. So, Satyam Kasyap this side from PharmaChain. Let's start your video. आज का वीडियो चालू करते हैं। आज हम देखेंगे कि आरओपीपी कैप क्या होता है। आरओपीपी कैप जनरली जो आप देख रहे हो स्क्रीन पे, ये आरओपीपी कैप कहलाते हैं। और सैंपल्स ऐसे होते हैं, ये कंपनी के सैंपल्स होते हैं, ये कंपनी ऐसा सैंपल देती है, ये पहले से ये ब्लैंक होते हैं। अगर आप कहीं से मंगाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको सैंपल दिए जाते हैं। और इसकी जो गेज होती है ना, ये 16 17 18 होती है जनरली जो यूज होती है। गेज मतलब वाली में स्ट्रेंथ नहीं मिलेगा आपको, एकदम होगी वो हल दब जाएगी। बट 17 एंड 18 इज ए गुड क्वालिटी। तो जनरली फार्मा में 18 का ही यूज करते हैं। इसे बोलते हैं बैट्स। ये क्या होता है, ये इसके अंदर ये बिठाया जाता है ताकि लीकेज नहीं हो। ये अंदर चला जाता है ताकि लीकेज नहीं हो। ये जो है ईपी बैड है, ये सबसे सस्ता होता है। ये बनता है आपका अराउंड 100 रुपीज में, 1000। सबसे सस्ता होता है ये, प्लास्टिक का होता है। और उसके बाद होता है SBR होता है एस्ट्रीन बुटाडाइन रबर, वो रबर से बनता है। और एक होता है लेटेक्स सबसे महंगा आता है आज के डेट में, 500 में 1000 पीस आता है। ये यूज होता है अभी फ्रिक्वेंटली, ठीक है। तो अब आते हैं अपन इसके ऊपर। तो ये जो मटेरियल होता है, ये एल्यूमिनियम सीट होती है वो हार्ड, और ये जो होती है वो उसी को नापा जाता है 0.18 0.17 में। तो इसका क्या है, इसको काट लेते हैं, इसकी पूरी इसको खोल देते हैं और गोल गोल के राउंड में काटते हैं डायमीटर 25 mm, और ये प्लस 18 ये जोड़ देते हैं। 60 mm का डाया लेके ये गोलाई में कटता है। ये देखिए एग्जैक्ट 60x60 का गोला बना के काटते हैं, कटिंग होती है, और उसके बाद ये बनता है आरओपीपी कैप। उसके बाद रिंग्स सेपरेटर होते हैं, ये जो रिंग्स बन जाती है उसको सेपरेट किया जाता है। एंड देन आफ्टर हेड नर्लिंग होती है। ये जो हेड देख रहे हैं आप, नर्लिंग देख रहे हैं ये हेड पे, ये चीज़, ये हेड नर्लिंग, इसे हेड नर्लिंग बोला जाता है। हेड नर्लिंग होती है ये। हेड नर्लिंग के बाद क्या होता है, हेड वेडिंग होती है। बैड फिक्स किया जाता है, वेडिंग ये अंदर डाला जाता है हेड के अंदर। एंड देन सॉर्टिंग एंड चेकिंग, उसके बाद जब ये बन जाता है तो इसे चेक किया जाता है कहीं से भी एज पर द आर्ट वर्क प्रिंट हुआ है कि नहीं, ये सब चीज़ें चेक की जाती है। कहीं से 7 कॉर्नर तो नहीं निकला हुआ है हाथ में लगने के लिए, तो ये सब चीज़ों को चेक किया जाता है। एंड देन फाइनल इसकी फाइनल पैकेजिंग की जाती है। जनरली आपको बताया गेज 18 20 17 का यूज करते हैं। और हेड जो डायमीटर होता है ओडी, इसकी हेड की ओडी जो होती है, आउटर डायमीटर जो होगी इसकी वो 25 होगी, 25 पॉइंट समथिंग रखते हैं ताकि ये ग्लास की जो वो 25 होता है, ठीक है। तो ये जो हाइट है ये 18 mm रखते हैं, ठीक है। चलिए तो अब आते हैं इसके, तो आपको बता ही दिया तीन तरह के डायमीटर में जनरली बनता है, 22 25 एंड 28, ये तीनों में बनता है ये। और उसके बाद होता है क्या, ये इसकी थिकनेस जो होती है वैरी करती है, बताया ही मैंने आपको। और एक सीट का जो वेट होता है वो अराउंड 300 ग्राम होता है 0.18 में। तो नंबर ऑफ कैप, और एक सीट से जो बनती है, एक सीट एल्युमिनियम सीट से, ऐसी वाली एल्युमिनियम सीट जिसके बारे में मैंने आपको बताया, एक सीट से बनती है ये 250 पीस 250 पीस। और उसके बाद क्या होती है, एक सीट का वेट आपको पता है मैंने 300 ग्राम होता है अराउंड। तो चलिए अब आपका स्पेसिफिकेशन देखते हैं, इसका COA खोल लेते हैं और उससे समझते हैं कि ये होता क्या है। तो देखिए ये एल्युमिनियम सीट होती है, ये जो COA है ये 28 mm का है, और सिल्वर प्लस प्रिंटिंग है। ये ऐसा है, ये वाला सिल्वर है, ये सिल्वर है, और ये सिल्वर है, ये गोल्डन है, और बहुत तरह के आते हैं। तो ये सिल्वर पर प्रिंटिंग है। डिस्क्रिप्शन ओके है, ये अराउंड शेप में विद द स्मूथ सर्फेस है। इसके अलावा टोटल हाइट जो है इसकी 18 mm की है, जो कि 17.5 से लेके 18.5 तक की होगी, ठीक है। इनर डायमीटर इसका 27.5 है, तो ये 27.5 टू 28 है डायमीटर, ये आपका इनर डायमीटर, ये चीज़, ये अंदर वाली, ये जो है अंदर वाली, ये देख रहे हैं अंदर वाली चीज़ क्या है, ये 27 है। आउटर डायमीटर आपका 28.5 से आउटर डायमीटर ऊपर से नापते हैं, या इधर से भी नाप सकते हैं आप, इसके पूरा पकड़ना पड़ेगा दोनों। आउटर डायमीटर जो है 28 है, थिकनेस इसकी 0.1 0.8
1.18 है और 0.20, दोनों तीनों सीट रख दिया इनने बीच में, 0.18, 0.19 है, 0.20। उसके बाद ये लाइनर जो है, ये जो डाला है हमने लाइनर, इसको लाइनर भी बोलते हैं, लाइनर जो है, लाइनर की थिकनेस कितनी है, तो थिकनेस बता रहे हैं ये 1.6 mm की थिकनेस बता रहे हैं, ठीक है। तो अलू कैप, इसका वेट कितना है, एक कैप का वेट कितना बता रहे हैं ये 1.3 ग्राम। तो आप इस उससे भी निकाल सकते हैं, एक सीट 300 की होती है, उसमें 250 करीब करीब बैठते हैं, तो उससे भी आप निकाल सकते हैं, कुछ वेस्टेज भी जाता है, जो कटिंग होती है जो राउंड राउंड पीस में, तो वो कुछ वेस्टेज जाता है। कलर जो है एज पर स्पेसिफिकेशन है। अब ये जो है इनने बताया है कि ये ROPP कैप का होता है, ठीक है। तो ये इस हिसाब से ये नर्लिंग के बारे में ये बात कर रहे हैं, ये बता रहे हैं कि कितनी नर्लिंग है। जनरली ये इसमें थ्रेड होगी और इसमें 4 थ्रेड होती है। बॉटल्स पे जनरली 2 थ्रेड रहेगी और इस पे 4 थ्रेड रहता है, ताकि ये बैठ पाए, ठीक है। तो चलिए अब आगे चलते हैं, अब कॉस्टिंग देखते हैं, इसकी कॉस्टिंग कैसे निकाली जाती है। पूरी कॉस्टिंग डिटेल हम कॉस्टिंग सेक्शन में पढ़ेंगे, आज बस एक ओवरव्यू लेंगे ताकि हमें समझ में आ जाए कि ये कॉस्टिंग होती क्या है, ठीक है। दूसरी एक सीट है, इसमें भी देख लेते हैं, ये पहले COA है। तो वेट ऑफ 10 कैप, 10 कैप अपन ने एक वेट ऑफ 1 कैप देखा था, तो 10 कैप का अराउंड कितना हो जाएगा, एक का 1 ग्राम होता है, तो 10 का 10 ग्राम के बीच में आएगा, ठीक है। इन्हें भी यहाँ पे दे रखा है एज पर सैंपल, ठीक है। उसका टोटल हाइट आपको बताया है हमने कि 16 से लेके 18 mm तक होती है, ये हाइट है आपकी, ये वाली हाइट है, ठीक है। उसके बाद एक्सटर्नल डायमीटर, इनर डायमीटर दोनों नापा ही हमने, एक्सटर्नल डायमीटर और इनर डायमीटर नापा हमने अंदर से कि क्या होता है। थिकनेस ऑफ बैट, लाइनर की थिकनेस देखी अपन ने, सुनते हैं EP बैट। डेंसिटी ऑफ बैट, इसकी डेंसिटी कितनी है, ये इसकी डेंसिटी क्या है। उसके बाद थिकनेस ऑफ सील सीट की थिकनेस क्या है, ये थिकनेस क्या है, ये बता रहे हैं ये थिकनेस क्या है, सील सीट की थिकनेस के बारे में बात कर रहे हैं। तो चलिए अब आ जाते हैं अपन बिना लेट के कॉस्टिंग पे, की कॉस्टिंग जनरली होती क्या है। तो अपन क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे थिकनेस लिखते हैं, सीट की थिकनेस यहाँ पे काउंट करते हैं, और उसके बाद एल्युमिनियम का रेट रखते हैं 1000 कैप का। एक सीट में अपने को कितनी निकल रही थी, 250, तो 400 सीट का अपन यहाँ पे रेट रखते हैं। जनरली एल्युमिनियम का क्या रेट चल रहा है, एल्युमिनियम ये जनरली 1 kg मटेरियल हो जाता है लगभग, समझे कि नहीं। तो 1 kg मटेरियल जो रेट चल रहा है, वो आज के डेट में बढ़ गया है, ये करीब 2 साल पुराना रेट कॉस्टिट है। तो आज के डेट में 350 से ये चालू होता होगा, 300-350, तो ये रेट है पर केजी के हिसाब से, ठीक है, एल्युमिनियम का। बैट का रेट क्या है, ये आपको मैंने बताया था 30-25 पैसे में आता है, 25 रुपये में 1000, ये 25 रुपये में 30 रुपये समझ के चलिए, 30 रुपये में 1000 पीस आता है। तो यहाँ पे इन्हें बैट का लगाया 1000 कन्वर्सन कॉस्ट, 1000 कैप बनाने में, ऐसी कैप 1000 बनाने में कितना पैसा लगेगा, इनका लेबर कॉस्ट क्या होगा, इनकी बिजली क्या लगेगी, ये पूरा इन्हें रख रखा। और जो स्क्रैप निकलेगा वो 1000 एक किलो में, वो कैसे जाएगा, तो इनने स्क्रैप को माइनस किया है, कोई भी माइनस करेंगे हम, और उसके बाद क्या रेट पड़ेगा, और उसके बाद अपने इनने अपना प्रॉफिट जोड़ के एक रेट निकाल के दिया है, ये रेट फाइनल रेट हो गया। तो ये देखा हमने कि कैसे रेट कॉस्टिंग करते हैं, डिटेल में हम कॉस्टिंग इसकी बाद में करेंगे। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। तो ये वीडियो कैसा लगा, लाइक करके ज़रूर हमें बताएं, प्रमोटर को बूस्ट करने के लिए इसे फॉरवर्ड करें। तो तब तक के लिए जय हिंद, कल फिर मिलते हैं नई सोच और नए वीडियो के साथ। जय हिंद।